कैसे, मैं हूं आरजे कार्तिक। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी किताबों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बता रहा हूं जो आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी कि पैसे का जो मनोविज्ञान है उसको बताती है। मॉर्गन हाउजल ने यह बुक लिखी है और यह बुक जब भी फाइनेंस की बात आती है, पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने की बात आती है, तो मस्ट रीड बुक कही जाती है। बहुत आसान शब्दों में आपको 5 लर्निंग्स इस बुक से बताऊंगा जो कि आपको सारी बुक का सार समझा देंगी। मॉर्गन हाउजल की लिखी हुई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें धन के मनोविज्ञान के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। हर इंसान का पैसे को लेकर के अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मनी डजंट मैटर, पैसा मैटर नहीं करता, खुशियां मैटर करती हैं। तो आइए सीखते हैं 5 बड़ी बातें द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। सबसे पहली लर्निंग जो कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी से मैंने सीखी है वो है, पैसा बर्बाद मत करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक खूबसूरत बंगला मिल सकता है या फिर आप 30 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो बताइए आप क्या चुनना चाहेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे बंगला चाहिए, कुछ लोग कहेंगे मुझे पैसा चाहिए। कई सारे लोग आपसे इस तरीके के सवाल करते होंगे और जब ऐसे सवाल आपके सामने आते होंगे तो आपका दिमाग घूम जाता होगा, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को संशय में, कंफ्यूजन में डाल देता है। इस पैसे को समझने के लिए अपने माइंड को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका हाल कुछ ऐसा है और आप भी इस तरीके के सवालों से परेशान रहते हैं, तो ऑथर ने इस बुक में किस्सा बताया। वो कहते हैं कि जब मैं अपने कॉलेज में था तब पैसे इकट्ठा करने के लिए वेटर का जॉब किया करता था, और जिस जगह पर काम करता था वो लॉस एंजलिस के सबसे महंगे होटल में से एक था। एक दिन कहते हैं मॉर्गन हाउजल की, जब मैं अपनी जॉब पर था तो मैंने देखा एक 21 साल का मिलियनेयर वहां पर आया हुआ था। वो बहुत स्मार्ट था, टेक्नोलॉजी की अच्छी पकड़ थी। उसने वाईफाई राउटर का एक ऐसा कंपोनेंट तैयार किया था जिसके लिए उसे काफी अच्छे पैसे मिले थे। उसने बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप शुरू किए और उन्हें बेच दिया। मनी मैनेजमेंट में हालांकि वो खास नहीं था, क्योंकि उस लड़के को अपने पैसे की नुमाइश करना, दिखावा करना, शो ऑफ करना बहुत पसंद था। जहां भी जाता था अपने साथ में नोटों की गड्डी लेकर के जाता था, और वेटर को भी कई बार टिप के नाम पर मोटी नोटों की गड्डी दे देता था। एक बार जब वो एक शॉप पर पहुंचा तो दुकानदार ने उसे पैसे के बदले सोने के सिक्के दिए। तो आप सोचिए कि उसने क्या किया होगा। वो समुद्र के किनारे गया और बीच साइड जाकर के अपने दोस्तों को भी सिक्के दिए और कहा चलो फेंकते हैं किसका कितनी दूर जाता है सिक्का। इस तरीके की हरकतें उसने की। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो एक होटल के लैम्प से टकरा गया था और उसकी वजह से वो लैम्प टूट गई थी। लैम्प टूटने की वजह से जो होटल मैनेजर था उसने कहा कि भाई $500 का खर्चा है। तो इस लड़के ने वहां तमाशा किया, इसने होटल के मैनेजर को $5,000 दिए और कहा कि ले जाओ जितने लैम्प ठीक कराने करा लो और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर आप ये किस्सा जब सुन रहे हैं तो आपको लग रहा हो कि ये फेक है, फर्जी कहानी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सच में हुआ। ऐसे लोग होते हैं जो पैसे का दिखावा करते हैं जब पैसा उनके पास में आ जाता है, और एक दिन ऐसा भी आता है जब वो दिवालिया हो जाते हैं। इस लड़के के साथ भी ये हुआ, पैसे के नशे में इसने अपना सारा पैसा खो दिया क्योंकि इसे घमंड हो चुका था। ये दोस्तों के साथ में अपने पैसे को बर्बाद कर रहा था, और वो दोस्त भी जब इसके पास में पैसा खत्म हो गया तो इसका साथ छोड़ करके चले गए। अब जो मॉर्गन हाउजल है उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव के बारे में बताते हैं, और एक साधारण से सफाई कर्मी यानी कि जो स्वीपर होते हैं उनका पैसे को लेकर के क्या बिहेवियर, उसको कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि पैसे को कमाना जरूरी है और उसको सेव करना भी जरूरी है, उसके लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपके माइंड सेट की जरूरत है। एक सफाई कर्मी जो कि सफाई का काम करता था, उसने पैसे बचाए और धीरे धीरे उसने एक सही जगह पर जो है स्टॉक में इन्वेस्ट किया और एक दिन वो करोड़पति बन गया। तो पैसे को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि कभी भी पैसा बर्बाद मत करो, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें सिखाया है, डोंट वेस्ट मनी। दूसरी लर्निंग जो कि मुझे द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस किताब से मिली है वो है, अमीर बनना तो आसान है लेकिन अमीर बने रहना बहुत मुश्किल है। और अमीर बने रहना मुश्किल है तो उसमें काफी सारे लोग जो हैं फेल हो जाते हैं। आपने देखे होंगे वो लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बड़े अमीर रहते हैं, बड़ा शो ऑफ करते हैं, और समय बीतने के साथ में फिर वो टूट से जाते हैं, अपनी अमीरियत को बरकरार नहीं रख पाते हैं। इसलिए अपने करियर में, बिजनेस फील्ड में, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग में सक्सेस पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लंबे समय तक सर्वाइव करें। और इसे समझने के लिए आप समझिए वॉरेन बफेट का एग्जांपल, जिनके साथ में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था लेकिन वॉरेन बफेट की तरह लगातार सक्सेसफुल नहीं बन पाए, क्योंकि वो लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाए। अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कोई भी काम करके अमीर बन सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहना बिल्कुल वैसा ही मुश्किल काम है जैसे कि सक्सेसफुल बने रहना।
सफलता मिल जाती है। आजकल डिजिटल की दुनिया में वायरल कोई भी कभी भी अचानक कहीं से हो जाता है, लेकिन वायरल होते रहना बहुत मुश्किल काम होता है। इस मुश्किल काम का सीक्रेट ये है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर आपके पास में कोई चीज़ आज है तो उसकी वैल्यू कीजिए और ये समझ के चलिए कि इस दुनिया में नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। तो आप बहुत तरीके से सलीके से चलेंगे और आप दुनिया में सक्सेसफुल बने रहेंगे, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। जैसे इस बुक के ऑथर मॉर्गन हाउजल ने कहा कि रिच होना और रिच बने रहना आसान नहीं है, इसीलिए जैसे आज हमारा सेफ है लेकिन फ्यूचर भी सेफ रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है अगर हमने आज फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग नहीं की। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान देख रहे हैं जो कि आपकी सेविंग्स को मैक्सिमाइज करें और फ्यूचर गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन या फिर बच्चों